बड़ी खबर आपको बताते हैं राजस्थान से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को शाम 6 बजे छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। सीएम गहलोत आज रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम वनचरौदा में राज्य शासन की सुराजी ग्राम योजना के तहत निर्मित आदर्श गोठान का निरीक्षण और गोबरा नवापारा में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम गहलोत रायपुर से सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 10:45 बजे वनचरौदा पहुंचेंगे और वहां आदर्श गोठान का निरीक्षण करेंगे। बाद में 12:20 पर गोबरा नवापारा में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल भी होंगे। सीएम गहलोत दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रायपुर आएंगे और अपराह्न 3 बजे विमान द्वारा जयपुर के लिए रवाना होंगे। और इसी पर अधिक चर्चा करेंगे हमारे साथ और हमारे लाइव रायपुर से संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आज अशोक गहलोत का दौरा है, क्या मायने इसके निकाले जाएं, क्या कुछ खास रहने वाला है इस लेकर? देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो करीब 10 बजे के आसपास रायपुर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे वो जो यहाँ का पुलिस ग्राउंड हेलीपैड है वहाँ पहुंचेंगे। वहाँ से सीधे जो अभनपुर ब्लॉक का ग्राम बनचरौदा है, जहाँ पर सुराजी गांव योजना के तहत राज्य सरकार ने गौठान का निर्माण कराया है, तो उसी गौठान का वो निरीक्षण करने आ रहे हैं। और एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने नरुआ गरुआ घुरुआ बारी योजना को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया है, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी चर्चा हुई है, तो राजस्थान में इसको किस तरीके से अपनाया जाए, किस तरीके से वहाँ गौठान बनाया जाए, इसी को लेकर आज वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के बनचरौदा में गौठान बनाया उसका निरीक्षण वो करेंगे और एक तरीके से पूरा स्वरूप देखेंगे और निश्चित तौर पर जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से यहाँ पर उस योजना को बढ़ावा मिला है उसको लेकर मुख्यमंत्री से भी चर्चा होगी। पूरे दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ रहेंगे और करीब 1 घंटे तक गौठान का निरीक्षण करने के बाद गोबरा नवापारा में किसान सम्मेलन का भी आयोजन है, वहां पर भी अशोक गहलोत शामिल होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, अभनपुर के विधायक है धनेन्द्र साहू, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आज गहलोत का रहने वाला है और करीब 3:30 या 4 बजे के आसपास वो फिर वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन काफी महत्वपूर्ण दौरा है, न सिर्फ राजस्थान सरकार बल्कि मुख्य यहाँ जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वो योजना चला रहे हैं उस योजना को अन्य राज्य भी अब अपनाने लगे हैं। क्या लगता है हेमंत जी, हम यहाँ पर देखें तो पाथाखेड़ा देश की सबसे बड़ी गौशाला राजस्थान में है, वहीं हम देखें तो छत्तीसगढ़ में भी गौशालाओं को अहमियत दी जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है, तो क्या लगता है देश में छत्तीसगढ़ का गोरक्षा मॉडल अपनाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर इसीलिए यहाँ के गौठानों का जो स्वरूप है वो देखने अशोक गहलोत आ रहे हैं। इस प्रकार से जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह नारा दिया था कि छत्तीसगढ़ के चार किनारी नरुआ गरुआ घुरुआ बारी, और न सिर्फ ये सरकार बनने के बाद, जब कांग्रेस विपक्ष में थी और जब चुनाव का मौसम था तो यही नारा और अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से इस नारे को कांग्रेस ने रखा था और इसी दिशा में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम किया है। प्रदेश के हर ब्लॉक हर गांव में गौठान का निर्माण कराया जा रहा है और ये सहजनी की कोशिश है, जो परंपरा है, क्योंकि आज के डेट में आज के समय में जो लोग हैं वो अब गाय को एक तरीके से देखा जाए तो वजन के समान मानते हैं, क्योंकि तो गौशालाएं नहीं है, मवेशी हैं, उनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखिए तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहल बहुत राहत देने वाली है। जरूर,
देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि खास करके राजधानी रायपुर के में हालात की बात करूं, यहाँ पर तमाम जो सड़क है वहाँ पर मवेशी दिन भर बैठे रहते हैं, तो एक तरीके से अगर गौठान का निर्माण होता है तो एक बड़ी राहत इसमें गायों को भी होगी, क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है पिछले राजधानी रायपुर में एक सड़क दुर्घटना में करीब 9 से या 10 गायों की मौत हो गई थी, एक कार चालक ने रोंदते हुए उनको निकल गया था, तो ऐसे तमाम चीजें निकल कर सामने आती है। राजधानी रायपुर भी नगर निगम के माध्यम से 2 गौठानों का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, तो एक मदद निश्चित तौर पर मिलेगी और एक तरीके से नगर निगम को भी राहत है, क्योंकि काफी मशक्कत उनको होती है इस तरीके से, चाहे कांजी हाउस, छत्तीसगढ़ में गौशालाओं को कांजी हाउस भी कहा जाता है, तो यहाँ पर हर ग्राम पंचायतों में बनाया जरूर गया है, लेकिन जिस प्रकार से बंदर बाट वहाँ पर उस पैसों की होती है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, लगातार आपके साथ आगे भी जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे।